या आपके पास डिग्री, आपका सर्टिफिकेट है दुबई का, अभी आप छोटी लेवल की जॉब कर रहे हो, पैकिंग या हेल्पर में काम कर रहे हो, या ऐसी जॉब में कर रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा आगे हम क्या करेंगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप सोच, आपको आइडिया ही नहीं आ रहा है कि यार आगे फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यही करते रहेंगे क्या, तो भाई ये करिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस करिए अप्लाई। उसके बाद जब बड़ी बड़ी कंपनियों में वैकेंसियां निकलती हैं ड्राइवर की, अभी दुबई पुलिस में बहुत से लोग ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी में आप ड्राइवर हो बड़ी गाड़ी के, क्या सैलरी आपकी है। जैसे बहुत से लोग ट्राला के लाइसेंस के लिए मुझसे पूछ रहे थे, ट्राला में दोस्तों बहुत अच्छा पैसा मिलता है, 4,000 दिरहम, 3,000 4,000 दिरहम से स्टार्टिंग है बड़ा ट्राला चलाने वालों की। फायदा इसमें क्या है कि आप लोग दुबई में अगर लाइसेंस मिल गया ड्राइविंग ट्राला का, कनाडा बुला रहा है आपको, कनाडा का कहना है कि भाई दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, आ जाओ ड्राइविंग करो आके हमारे यहाँ। फायदे भाई, कनाडा में आप आओ, आपको वहां पे नेशनलिटी मिल जाएगी, सैलरी वहां पर आवर के हिसाब से बहुत ज्यादा है, मतलब एक ड्राइवर 2-2.5 लाख रुपए कमाता है ट्राला वाला कनाडा में। तो फायदा ये है भाई चौथे, ये ट्राला का लाइसेंस लेने। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रहा हूं हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो दुबई में ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं, किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, कितना खर्चा होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेने में, और लाइसेंस मिलने के बाद किस तरह से जॉब मिलेगी और सैलरी क्या होगी आपकी, ये सारी चीज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि काफी डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हो सकता है ये मेरी वीडियो पार्ट नंबर 1 है, मैं कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में आप लोगों को समझाने की, और या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा जो चीजें बचेंगी। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर अप्लाई करिए। ये जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो यहां पर आना चाह रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेना ही है, यह आप बना लीजिए, कंपलसरी है दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस। अब जैसे देखिए दोस्तों, मेरे पास ये 2 ड्राइविंग लाइसेंस है, एक बाइक का है एक कार का है, तो मुझे दोनों ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक डिग्री है उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या आपके पास डिग्री, आपका सर्टिफिकेट है दुबई का, अभी आप छोटी लेवल की जॉब कर रहे हो, पैकिंग या हेल्पर में काम कर रहे हो, या ऐसी जॉब में कर रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा आगे हम क्या करेंगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप सोच, आपको आइडिया ही नहीं आ रहा कि यार आगे फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यही करते रहेंगे क्या, तो भाई ये करिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस करिए अप्लाई। उसके बाद जब बड़ी बड़ी कंपनियों में वैकेंसियां निकलती हैं ड्राइवर की, अभी दुबई पुलिस में बहुत से लोग ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी में आप ड्राइवर हो बड़ी गाड़ी के, क्या सैलरी आपकी होगी, अभी कोई एयरलाइन है, एयरलाइन में कितने ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, इमिरेट्स एयरलाइन हो गया, फ्लाई दुबई हो गया, एयर इंडिया हो गए, सारे स्टाफ यहाँ पर दुबई में भी उन लोगों का अकोमोडेशन है, लोग ये कंपनियां हायर करती हैं ड्राइवर्स को कि इनके जो पायलट हो गए, जो क्रू मेंबर हो गए, उनको वहां तक ले जाना होता है एयरपोर्ट से, फिर ड्रॉप करना होता है, ये सारी जॉब बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस हमारे सभी भाइयों के लिए। आप हो यहाँ पर, आपको घूमने जाना है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आप घूमिए, कम खर्चा होगा भाई, पेट्रोल बहुत सस्ता है, लेकिन अभी आप टैक्सी से जाओगे ना तो एक जगह जाने का 100 दिरहम 150 दिरहम चार्जेस आ जाएंगे, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ड्राइविंग लाइसेंस। तो किस तरह से मुझे ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं, इस पार्ट में खास तौर पर कि ड्राइविंग लाइसेंस मुझे किस तरह मिला, कितना खर्चा हुआ, और आप जब यहां पर आओगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आज कितना खर्चा होगा, ये बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये लाइसेंस मैंने आज से 8 साल पहले लिया हुआ है, उस वक्त मेरा 7,000 दिरहम खर्चा हुआ था इस लाइसेंस को बनाने में, प्रॉपर इसकी
ट्रेनिंग होती है, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी ट्रेनिंग देते हैं, फाइनल टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि गलाधारी ड्राइविंग सेंटर हो गया, इमरेट्स ड्राइविंग सेंटर हो गया, और अलहली हो गया, बहुत से लाइन्स हैं। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, उनसे जिसका सबसे कम प्राइस हो फाइनल टेस्ट तक का, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं दिला रहा है लाइसेंस, आप अपनी काबिलियत पे लोगे। आपका जब टेस्ट होगा फाइनल, तो उसमें एक अरबी बैठेगा आपके साथ फाइनल टेस्ट में, जो कि आरटीए का मेन आदमी होता है, जिसको भेजा जाता है चेक करने के लिए कि हाँ भाई आप लाइसेंस इशू करना इसी बंदे को है जो चला ले गाड़ी। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के लाइसेंस दे दिया। तो वो अरबी खास तौर पर आपके साथ फाइनल टेस्ट में बैठेगा। जब मेरे साथ बैठा, तो भाई अरबी बैठा हुआ है बगल में, तो मैक्सिमम लोग कांपने लगते हैं, उनसे गाड़ी चलती नहीं है, ये रीजन होता है फेल होने का। तो मैं भाई फाइनल में एक बार फेल हो चुका हूँ, दूसरी बार जब फाइनल दिया मैंने, तब मैं पास हुआ हूँ। तो मेरा जो खर्चा हुआ था दोस्तों, 7,000 दिरहम हुआ था, इंडिया का 1.5 लाख रुपए पकड़ लीजिए आप। ये लाइसेंस कार का 1.5 लाख रुपए में मिला है। तो मैं जब यहाँ पर आया, उस वक्त बहुत से फॉर्मेलिटीज थी जिसको पूरी करनी होती थी किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। आपको कंपनी का एनओसी चाहिए होता था, आपको लेटर चाहिए होता था कंपनी का कि वो मेंशन करें हाँ भाई मैं अलाउ कर रहा हूँ इनको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तब आप वो सब चीज़ लेके जाते थे, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फाइल ओपन होती थी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप विजिट पर भी आकर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, सारी चीज़ें हटा दी हैं, और प्राइस भी बहुत सस्ता हो गया। अब 3,500 दिरहम में आपको फाइनल टेस्ट हो जाता था, उस वक्त 6,000 साढ़े 6,000 दिरहम लगता था। तो मैंने फाइल ओपन कराई अलहली ड्राइविंग सेंटर में, आप किसी भी जो भी आपके आसपास हो जो आसानी से आप कर सकते हो वहीं फाइल ओपन कराइएगा, कि आप घर से नीचे उतरे सामने आपको गाड़ी मिल गई, आप टेस्ट दे रहे हो, 15 दिन के टेस्ट है, 8 दिन का है, तो आप लोग आसानी से उसी एरिया में ड्राइव करो, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे घर के बाहर अलहली ड्राइविंग सेंटर था, मैंने वहाँ फाइल खोली और घर के पास ही मैं ड्राइव करता था, क्लासेस में घर के बाहर ही लेता था। तो जब आप फाइल खोलोगे दोस्तों, अभी इंस्टॉलमेंट में भी आप लोग पे कर सकते हो, एक साथ नहीं पे करना, इंस्टॉलमेंट में भी आप लोग पे करके फाइल ओपन करा लीजिए अपनी। तो मैंने फाइल ओपन कराई, फिर उसके बाद मुझे बुक वगैरह मिली जिसमें बहुत से रूल्स वगैरह थे ट्रैफिक के, कि लाइट वगैरह की पूरी इंफॉर्मेशन थी कि रेड ग्रीन येलो इसके सारे मतलब क्या क्या हैं, और ये जो येलो लेन है, येलो पट्टी है, इस पर इसके क्या रूल हैं, किस तरह से एक लेन से दूसरे लेन को स्विच करना है, एक तरफ से दूसरे तरफ अगर आपको जाना है, राइट लेना है, तो आप किस तरह से करें, सारे रूल्स वगैरह उसमें लिखे हुए थे, सारे रूल्स उसमें हैं। वो बुक जब आप रीड करोगे तो आपका जो पहला टेस्ट होगा वो होगा थ्योरी का, कि आपने भाई पूरे रूल पढ़ लिए, अब आपको इन्फॉर्मेशन हो गई है, अब आप सड़क पर जा सकते हो, तो आपका टेस्ट होगा उसका भी, उसका कंप्यूटर पर टेस्ट होता है। 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें से टिक करना है राइट ऑप्शन को। अब जो छोटा हर कोई पास कर लेता है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान होता है, तो हर कोई आदमी टिक कर लेगा। हिंदी में भी आप पेपर दे सकते हो, उर्दू में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, सारे ऑप्शन है उसमें। तो आप अपने अपने कन्वीनियंट जो भी लैंग्वेज में आप परफेक्ट हो, आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए आसान रहेगा, आप उसी को चूज करिए, उसी में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आप टिक कर लीजिए। आप टिक करोगे 30 में से अगर 25 क्वेश्चन आंसर आपके सही हैं, मोस्टली हो जाते हैं सबके सही, क्योंकि सवाल इतने आसान होते हैं, आप रेगुलर डेली देख रहे हो, आप पढ़ भी चुके हो आप 1-2 दिन बुक, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप पास हो जाओगे। अब आप थ्योरी पास कर लिया आपने, अब आपको रोड पर आना है, सड़क पर आना है, और दुबई के में ड्राइव करना है। तो आपके साथ आपका एक इंस्ट्रक्टर होगा, एक गुरु होंगे, टीचर होंगे आपके साथ, वो आपको बताएंगे चल कि चलिए अब गाड़ी चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं पहली बार गाड़ी में बैठा, दुबई का इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, रोड का भी नहीं था, यहाँ तक कि इंडिया में भी बहुत मुश्किल से ही गाड़ी में बैठे हैं हम, कार वगैरह में नहीं बैठे ज़्यादा, तो कार का भी नॉलेज नहीं है उतना, उस हिसाब से कि किस तरह से हैंडल वगैरह कुछ, मतलब बिल्कुल जीरो। अब मुझसे उन्होंने कहा कि आप
लीजिए की और इसको स्टार्ट करिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे लगाना है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ। तो जो इंस्ट्रक्टर बैठा वो सर पकड़ लिया अपना इसे, उस सर पकड़ के मुझसे कह रहा है, यार तुम गाड़ी कैसे चलाओगे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुमने तो सर पहली बार है, कभी गाड़ी वाड़ी चलाया नहीं है हमने, अब ये पहली बार है, आप बताइए, आप सिखाने के लिए बैठे हो। अब ऐसा तो है नहीं सब पेट से सीख के आ रहे हैं भाई, अपने माँ बाप माँ के पेट से सीख के कोई तो आ नहीं रहा है, उसको तो सिखाना पड़ेगा हर एक चीज़। दोस्तों कोई परफेक्ट नहीं होता है, वो ट्रेंड होता है, ये चीज़ आप लोग भी समझ लीजिए। आपको लगता है ये काम वो कर रहा है बहुत अच्छे से, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो उसने ट्रेनिंग ली हुई है इसलिए वो काम अच्छे से कर ले रहा है। हम लोग ट्रेंड नहीं है, हम ट्रेनिंग नहीं लिए हुए, हम भी ट्रेनिंग ले लेंगे, हम भी चलाने लगेंगे या हम भी वो जॉब करने लगेंगे। तो हमने उनसे कहा कि भाई मैंने कभी ड्राइविंग करी नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अब आप बताओगे वैसा चलाएंगे, अब आप सिखाओगे तो हम सीखेंगे। तो फिर फिलहाल गाड़ी को लिया और धीरे धीरे बताया कि भाई मैंने मैनुअल लिया था, तो गियर वगैरह उसमें कि फर्स्ट गियर आगे होता है, सेकंड गियर पीछे होता है, थर्ड गियर ऊपर होता है, फोर्थ नीचे होता है, फिर फिफ्थ लगाओगे तो पीछे उधर ऊपर जाके लगाओगे, रिवर्स लेना है तो बिल्कुल नीचे लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें थी। बड़ा कंफ्यूजन था दोस्तों, समझ में नहीं आता था, लेकिन इसीलिए मैं फेल भी हुआ हूँ टेस्ट में, क्योंकि धीरे धीरे सीखने में टाइम लगता है। नए आदमी के लिए कोई भी चीज़ हलवा नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ड्राइविंग लाइसेंस दुबई में मेरे लिए तो भाई मुश्किल था, क्योंकि मैनुअल ले लिया था गलती से, ऑटोमेटिक ले लेते तो सीधा चला रहे होते हैं, ना कोई गियर बदलना है ना कुछ। और फिर दोस्तों ड्राइव किया, 15 दिन की क्लासेस हुई, 15 क्लासेस थी, तो 15 क्लासेस मैंने ले लिया, मैं अच्छे खासी मतलब मैं प्रॉपर ड्राइव करने लगा, ड्राइविंग मैंने करने लगा। अब आ गया फाइनल टेस्ट, पार्किंग टेस्ट पहले आता है, पार्किंग में किस तरीके लगाना है आपको वो आपको सिखाएंगे, इस मिरर पे देखोगे तो वाला पोल दिखेगा, फिर आपको पूरी टर्न करना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। थ्योरी टेस्ट पहला हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया पार्किंग का, पार्किंग किस तरीके लगानी है। तो पार्किंग में भी मैं भाई मैं फेल हुआ हूँ, 2 बार फेल हुआ हूँ पार्किंग लगाने में, तो किसी तरह से मैंने पार्किंग पास किया। फिर फाइनल टेस्ट आया है, फाइनल टेस्ट में दोस्तों RTA का अरबी, तंदूरा अंदूरा कंदूरा पहन के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वो लोग बैठते हैं बगल में आके, तो आधे आदमी तो कांपने लगते हैं डर के मारे, उनकी पर्सनालिटीज है, वो आपका फाइनल टेस्ट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यार ये बंदा अगर फेल कर देगा फिर से हमको 8 क्लासेस मिल जाएगी, फिर से पैसे लग जाएंगे हमारे, तो ज़्यादातर लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और गलती करते हैं, फेल कर देता है वो, हर एक चीज़ नोटिस करता है फाइनल टेस्ट में, जब आपके साथ वो टीचर बैठा होगा फाइनल टेस्ट लेने वाला, हर एक चीज़ छोटी से छोटी, वो बोलेगा रूह गो या लगो, अरबी में बोलेगा कि भाई चलो तो आपको गाड़ी चलानी है, वो बोलेगा भाई राइट लो तो आपको राइट लेना है, लेकिन वो सारे रूल को फॉलो करते हुए, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट आपने मोड़ा और राइट ले लिया तो फेल होगा आप। अब आगे गाड़ी से कितनी गैपिंग रखनी है, सारी चीज़ें माइंड में रखना पड़ता है फाइनल टेस्ट में, इसीलिए भाई फाइनल टेस्ट में भी तुम्हारा भाई फेल हुआ 2 बार, समझ में आया कि ये गलती करा है वो गलती करा है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है लाइसेंस लेने में भी, लेकिन अभी बहुत आसान हो गया है, अभी पास भी कर देते हैं आसानी से, पैसे भी कम हो गए, तो भाई अप्लाई करो आप लोग। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो तो करनी पड़ेंगी आपको, आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, पार्किंग टेस्ट देना पड़ेगा, फिर फाइनल टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, आप फ्री हो, दुबई में कहीं भी ड्राइव करिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, कुछ भी करिए। तो फर्स्ट वीडियो काफ़ी लंबी हुई, फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ, लाइसेंस तो मिल गया है मुझे, अब जॉब कैसे करेंगे और इसमें कितनी कैटेगरी है लाइसेंस की, हमने अपनी स्टोरी तो बता दिया, अभी जो कैटेगरी इसमें आने वाली है, इसमें बाइक लाइसेंस भी है, इसमें आपका कार का लाइसेंस तो मैंने खुद लिया हुआ है बताया, कार लाइसेंस भी है और बस का भी लाइसेंस है, ट्रक ट्रॉला का भी लाइसेंस मिलेगा आपको। फोर्क लिफ्टिंग के बारे में बहुत से भाइयों ने पूछा जॉब का, इसमें लाइट फोर्क लिफ्ट का अलग लाइसेंस बनता है और हैवी जो यूज़ करते हैं लोग क्रेन वगैरह उसका लाइसेंस अलग होता है, सबकी सैलरी बहुत अच्छी है, जितना बड़ा लाइसेंस उतनी आपकी वैल्यू और उतनी अच्छी सैलरी दुबई में। तो
तो ये सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट में बता रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो की पूरी डिटेल ले लीजिए और कोशिश करिए जो भी आपको लगे कि ये लाइसेंस, ये नंबर का लाइसेंस मेरे लिए परफेक्ट है। जैसे बहुत से लोग ट्राला के लाइसेंस के लिए मुझसे पूछ रहे थे। ट्राला में दोस्तों बहुत अच्छा पैसा मिलता है, 4000 दिरहम, 3000-4000 दिरहम से स्टार्टिंग है बड़ा ट्राला चलाने वालों की। फायदा इसमें क्या है कि आप लोग दुबई में अगर लाइसेंस मिल गया ड्राइविंग ट्राला का, कनाडा बुला रहा है आपको, कनाडा का कहना है कि भाई दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, आ जाओ ड्राइविंग करो आके हमारे यहाँ। फायदे भाई, कनाडा में आप आओ, आपको वहां पे नेशनलिटी मिल जाएगी, सैलरी वहां पर आवर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मतलब एक ड्राइवर 2-2.5 लाख रुपए कमाता है ट्राला वाला कनाडा में। तो फायदा ये है भाई चौथे ये ट्राला का लाइसेंस देने में। तो नेक्स्ट पार्ट में पूरी डिटेल देने वाले हैं हम आप लोगों को, बाइक लाइसेंस के फायदे बता देंगे, क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग बाइक लाइसेंस के बारे में पूछ रहे थे। उसमें भी जॉब बहुत अच्छी है, बहुत सी कोरियर कंपनियां हैं, बहुत अच्छा स्कोप बाइक में भी है। क्या फायदे क्या नुकसान, सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट में देखिए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको दुबई की इंफॉर्मेशन चाहिए, हर एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स में आप लोग मेंशन कर दीजिए कोई डाउट हो, मैं जब भी रीड करूंगा जरूर रिप्लाई करूंगा। और अच्छा टॉपिक लगा कि सबके लिए इंफॉर्मेशन है तो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ताकि हमारे और भाइयों का डाउट क्लियर हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।